आज मुझे कुछ पूर्व डायरेक्टर्स का सम्मान करने का सौभाग्य मिला। अनेक व्यक्ति अपना जीवन जब खपा देते हैं तब ऐसी संस्थाएं विकसित होती हैं, ऐसी व्यवस्थाएं विकसित होती हैं। पूर्व के जितने भी लोग थे और वर्तमान जो लोग हैं, उन सब के प्रयत्नों से इस संस्था ने एक अंतर्राष्ट्रीय अपना स्थान बनाया है। मैं उन सबको हृदय से अभिनंदन करता हूं और जिनका स्वागत करने का मुझे अवसर मिला, मैं अपने आप में गौरव की अनुभूति करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, मेरे मन में एक प्रश्न है कि अगर आपने दिमाग लगाया होता तो शायद इस प्रोफेशन में नहीं आते। यहां आने से पहले आपने दिमाग से नहीं सोचा होगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। फिर आए क्यों? आए इसलिए हैं कि आपने दिमाग से नहीं दिल से सोचा है। काम तो दिमाग का है लेकिन दिमाग से होने वाला नहीं है। आपने एक ऐसे प्रोफेशन को स्वीकार किया है जिसमें दिल से ही आप पेशेंट को ठीक कर पाते हैं, दिमाग से नहीं कर पाते हैं। और उस अर्थ में मैं कहता हूं कि आपने, आपके दिल ने आपको यह इस प्रोफेशन में आने के लिए मजबूर किया है, आपको प्रेरित किया है। आपके भीतर से वो आवाज उठी है और आपको लगा है कि भाई समाज में ये लोग, कोई तो इनकी सेवा करे। और मैं जानता हूं ये कठिन काम है। आप जब पहली बार अस्पताल में अब डिग्री धारण करने के बाद जाएंगे तो पेशेंट तालियां बजाएंगे कि चलो एक और आ गया। उनको तो यही लगेगा कि हमारे जैसा ही कोई आया है। और फिर उसके साथ बात करना, समय बिताना, उसको समझना और फिर उसमें विश्वास जगाना, बीमारी दूर करने से पहले विश्वास जगाना। एक ऐसा कठिन काम आपने लिया है लेकिन मुझे विश्वास है कि आप यहां जो आपको शिक्षा दीक्षा मिली है उस बदौलत और आपके दिल में जो दर्द है उसकी बदौलत आप अवश्य इस क्षेत्र में बहुत उत्तम प्रकार की सेवा कर पाएंगे। रिलीजियस लीडर्स रिप्रेजेंटेटिंग एवरी मेजर वर्ल्ड रिलीजन्स, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, जुडाइज्म, बहाई फेथ, बुद्धिज्म, इस्लाम, ताओइज्म एंड इंडिजीनियस रिलीजन्स मेट, डिस्कस एंड प्लेस टू अपहोल्ड द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन एंड ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन और बिलीफ।